हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं अयोध्या आया हूँ, पावन धाम अयोध्या। और अभी आप सभी को राम जन्मभूमि, हमारे सामने श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर रहा, और आप सभी को यहाँ पे दर्शन कराएंगे। अभी सुबह 4 बजे, भोर में ही 4 बजे सरयू में स्नान करके राम लला का सीधे दर्शन कराएंगे आप सभी को। और मोबाइल तो अलाउ नहीं, वहाँ तक जहाँ तक जाएंगे तो वहीं तक आप सभी दिखाएंगे। और सुबह 4 बजे यहाँ पे हम लोग कल ही आए हैं, और यहाँ पे और हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों क्राइंग अभी यहाँ पे अयोध्या की गलियाँ देख सकते हो आप, कितना सुंदर है और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ का जो माहौल है काफ़ी बढ़िया है, और आप सभी को दिखाएंगे यहाँ पे। अभी हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। बहुत सारी ऐसे अयोध्या के कई मंदिरों को, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन कराऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना, और यहाँ पे देख सकते हो अयोध्या वासी और अयोध्या कितना एकदम सच के तैयार है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। और दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ से, हमारा घर तो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन काफ़ी काफ़ी सुंदर सा है। और इधर सामने भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की, लेकिन कम है भीड़, वैसे कम है, हम लोग दर्शन पा जाएंगे। लेकिन 7 बजे चालू होगा एंट्री, अभी से खड़े हुए हैं और चल के आप सभी को दिखाएंगे। और ब्लॉग में अभी मंदिर जो है 7 बजे चालू होगा, और सब लोग हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और आशीष है हरिओम है, और चलेंगे एंट्री करेंगे। भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, रामनवमी की वजह से भीड़ थी, लेकिन आज नहीं है। आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है आज। तो चलो ठीक है, जय श्री राम, और वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। भीड़ देख सकते हो, ये एंट्री गेट है, इधर ये मेन गेट है जो बना हुआ है, अभी इसी से अंदर मंदिर की तरफ जाना है, और राम लला का दर्शन यहीं पे करना है। और ये जो है यहाँ पे बैठ के आप लोग, थोड़ा सा अगर भीड़ है तो रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो बना है वहाँ पे। तो दोस्तों राम लला का दर्शन आप सभी कराऊंगा यहाँ पे, हम लोग थोड़ा भी बैठे हुए हैं, रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद चल के आप सभी को राम लला प्रभु श्री राम का दर्शन करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों मोबाइल लेना अलाउ नहीं है वहाँ पे, आधे रास्ता तक जाएगा और आधे पे वहीं पे लॉकर एरिया में जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कितना VIP बना हुआ है यहाँ पे, गेट देख सकते हो कितना बेहतरीन सा यहाँ का लुक है। दोस्तों यहाँ से राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी चलेंगे, क्योंकि भीड़ होती है ना, इस वजह से यहाँ पर लाइन लग के जाना पड़ता है सभी को, और इधर भी भीड़ उधर भी भीड़। वैसे भी आज जो है 20 तारीख है, तो 20 को उतना, 20 अप्रैल है, तो उतना खास भीड़ नहीं है आज जैसे पहले हुआ करता था। तो अभी लाइन में हम लोग लग चुके हैं, और सीधा प्रभु राम का दर्शन आप सब कर पाएंगे। तो अयोध्या में काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पे आने के बाद, और जो है यहाँ का बहुत ही फेमस, कितना बेहतरीन सा यहाँ का लुक जो आ रहा है, बहुत ही सुपर है भाई। इधर देख सकते हो, इधर से आने, वापस आने के लिए रास्ता है, इधर जाने के लिए ऐसे बैरियर लगे हुए हैं, क्योंकि ताकि धक्का उक्का ना, भीड़ ज़्यादा हो उस वजह से किसी प्रॉब्लम हो। श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हो आप सब, और अयोध्या तो वाकई में एकदम स्वर्ग जैसा बन गया है। तो हम भी आज पहली बार रामलला का दर्शन करेंगे, वैसे अयोध्या में एक बार और आया हूँ, ये दूसरी बार है मेरा, हनुमान जी का दर्शन किया हूँ हनुमानगढ़ी में, और नेक्स्ट ब्लॉग में हनुमानगढ़ी का भी वीडियो डालूँगा, आप सब देखिएगा। और चलेंगे अभी लाकर में मोबाइल, सारी चीज़ें जमा हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो आप सभी को पूरा दिखाता है प्रभु राम का। लेकिन यहाँ से जो यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना बेहतरीन सा है, ये अभी चेक के पास यहाँ पे चेक होता है, क्योंकि तंबाकू अंगा पर नहीं ले जा सकते आप सब, गुटखा तंबाकू ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे अंदर, मंदिर है भाई, ऐसे भी नहीं ले जाना चाहिए आप सभी को। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, और चल रहा हूँ अभी आगे, आप सभी को दिखाऊंगा, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो आज कम है, देख सकते हो हमारे पीछे। हाँ वाक्य में दोस्तों देख सकते हो, ये
लाकर एरिया है दोस्तों, देख सकते हो कितना बेहतरीन सा महलों जैसा बना हुआ है लाकर एरिया है। वाकई में बहुत ही बेहतरीन से बनाया हुआ है, बना है, और अयोध्या हमारी पूरी एकदम भव्य तरीके से तैयार है सच धज के। और रामनवमी थी दो दिन बाद, इसलिए यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी। अभी इस समय अप्रैल में बहुत कम भीड़ है, और लॉकर में भी मोबाइल जमा करेंगे हम सब। और यहीं तक आप सभी को देखने को मिलेगा दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हेलो दोस्तों, रामलला का दर्शन कर चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। अब चलेंगे बाहर, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था, लॉकर में जमा करना पड़ता है। तो काफ़ी बढ़िया लगा यार रामलला प्रभु श्री राम का दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा। अयोध्या की गलियां देख सकते हो आप सब, कितना बेहतरीन सी गलियां हैं यहाँ पे। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद अपने प्रभु राम के चरणों में।